दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहती थी, जिसका नाम गुड़िया था। मम्मा चिड़िया कुछ दिनों से बीमार थी। गुड़िया बेटी, मुझे आज बहुत अजीब सा लग रहा है। सर में दर्द भी है और सांस भी उखड़ रही है। आप मेरे साथ चलो, हम बुलबुल से दवा ले आते हैं। मम्मा, पिछली बारिश के बाद भी आप ऐसे ही बीमार हो गई थी और फिर आप स्वस्थ हो गई। इस बार भी आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ दवा लेने चली जाती है। चिड़िया, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। शायद आज या फिर कल तुम्हारे पास समय बहुत कम है। मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। रोती हुई मम्मा चिड़िया मूर्ति बने हुए बुलबुल की बातें सुन रही थी। मेरी बेटी बाहर बैठी है, आप मेरी बेटी को कुछ ना बताना। वो बहुत छोटी है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। गुड़िया बाहर बैठी हुई थी। दोस्त, क्या हुआ? क्या आपकी मम्मा भी बीमार है? क्या हुआ आपकी मम्मा को? मेरी मम्मा को 3 दिन से तेज बुखार है। मेरी मम्मा से उड़ा भी नहीं जा रहा। मैं अपनी मम्मा के लिए दवा लेने आया हूँ। चुप कर जाए, मेरी मम्मा भी बीमार है। हम दोनों की मम्मा ठीक हो जाएंगी। कितना अच्छा होता जो मैं बीमार हो जाता और मेरी मम्मा बीमार ना होती। मैं चाहे मर जाता मगर मेरी मम्मा स्वस्थ हो जाती। दोस्त, ये सब हमारे बस में थोड़ी है। अगर ऐसा होता तो मैं भी कभी अपनी मम्मा को बीमार ना होने देती। गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है और वो छोटा बच्चा बुलबुल के पास चला जाता है। मम्मा, ये जो छोटा बच्चा अभी अभी बुलबुल के पास गया है, इसकी मम्मा भी बीमार है। पता है, इसकी मम्मा को 3 दिन से तेज बुखार है। आप तो उड़ सकती हैं ना, मगर इसकी मम्मा उड़ भी नहीं सकती। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा घर चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, आप घर में बैठे, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, अब आप कहाँ जा रही हैं? मुझे बताएं क्या काम है, मैं घर आती हूँ। नहीं बेटी, मुझे जाना है, मैं रात को आपको बताऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घर छोड़कर चली जाती है। मम्मा चिड़िया जंगल की दूसरी ओर अपनी बहन के पास जाती है। पारो, मुझे बुलबुल ने बताया है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी किडनी फेल हो गई है। आज या कल, मेरा कुछ पता नहीं है। दीदी, ये सब कैसे हुआ? आपने पहले तो कभी मुझसे बात नहीं की। कैसे करती? मैंने सोचा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मुनासिब नहीं समझा किसी को भी बताना। पारो, मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं आज रात उसे सब सच बता दूंगी। अगर मैं मर गई तो गुड़िया आपके पास आ जाएगी। दीदी, ये घर गुड़िया का अपना ही है और आपको भी कुछ नहीं होगा। चिंता ना करें, कुछ भी नहीं होगा। हमारे जंगल की चील को पिछले साल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मगर वो अभी तक जिंदा है और अच्छा भला खाती पीती है। रानू चिड़िया की बहन पारो चिड़िया अपनी बहन को ऐसे हौसला देती है। अब मैं चलती हूँ, गुड़िया परेशान होगी। पारो, वादा करो, मेरे बाद मेरी बेटी को मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगी आप। दीदी, वो जैसे आपकी बेटी है, मेरी भी ऐसे ही बेटी है। मैं मौसी हूँ उसकी, कोई गैर थोड़ी हूँ। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी अपने पड़ोसी तोते के घर जाती है। मिठू तोते, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का ध्यान रखना। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। मुझे बुलबुल ने सब बता दिया है, आप चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। मेरी पत्नी कल आएगी आपके घर। चिड़िया फिर से उड़ती और साथ वाले घर में रहने वाले कौवों के पास चली जाती है। चिड़िया, जो बुलबुल ने मुझे बताया, क्या वो सच है? हाँ गौरी, मेरी किडनी फेल हो गई है। अब तो मुझे सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। गौरी बहन, मैंने हमेशा दूसरों से भलाई की है। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या जंगल वाले मेरी बेटी का ध्यान रखेंगे? जंगल वाले क्यों, मैं हूँ ना चिड़िया, तुम चिंता ना करो। गुड़िया मुझे आंटी कहती है और मुझे तो वैसे भी गुड़िया से बहुत प्यार है। बहुत सुंदर लगती है मुझे गुड़िया। सच सच में क्या आपको गुड़िया पसंद है? तो और क्या, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुड़िया मेरी अपनी ही बेटी है।
तो फिर आप मेरे बाद मेरी बेटी का ध्यान रखना। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो गोरी बहन माँ बनकर रक्षा करना मेरी बेटी की। जाओ चिड़िया, घर जाओ, तुम ठीक हो जाओगी। सुना नहीं पहाड़ों पर रहने वाली चील 2 साल से बीमार है, अभी तक जिंदा है। हाँ गौरी, उसका तो मुझे मेरी बहन ने भी बताया है। मम्मा चिड़िया टूटे हुए दिल के साथ घर चली जाती है। उसकी बेटी बेचैनी से अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। मम्मा, आपने इतनी देर क्यों कर दी? बेटी, मैं आपकी मौसी के घर चली गई थी। रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने सीने पर लिटा लेती है। गुड़िया मेरी बेटी, एक वादा करो। मम्मा बताएं, क्या बात है? कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। बेटी वादा करो, अगर मैं मर गई तो तुम हौसला रखोगी। थोड़ा रो लेना मगर जिंदगी की उम्मीद न छोड़ना। थोड़ा रो कर चुप कर जाना। मेरी बेटी, माएं हमेशा थोड़ी साथ रहती हैं, है ना मेरी बेटी? मम्मा आप भी ना ऐसे ही मुझे डराती रहती हैं। वो पिछली बारिश वाली बात याद है ना आपको? हाँ बेटी, मुझे सब याद है। अच्छा, अगर मुझे कुछ हुआ तो आप अपनी मौसी के पास चली जाना। बरगद के बड़े पेड़ के साथ है आपकी मौसी का घर। मम्मा प्लीज ऐसी बातें ना करें, मैं अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोके हुए हूँ। प्लीज मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। रोशन सूरज अपनी किरणें बखेर रहा था। सभी पक्षी अपने अपने कामों पर जा रहे थे। जंगल में हर तरफ रौनक थी। गुड़िया भी सोकर उठ गई थी। खिड़की से बाहर देखते देखते अचानक गुड़िया का ध्यान अपनी मम्मा की तरफ जाता है, जो आधी घोंसले के अंदर और आधी घोंसले से बाहर थी। गुड़िया झट से अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा आप सीधी होकर लेट जाए। मम्मा मम्मा बोले ना, मम्मा क्या हुआ आपको? मम्मा। गुड़िया पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, मगर उसकी मम्मा उसके कई बार पुकारने पर भी चुप रहती है। उसकी आंखें बंद थी और दिल की धड़कन रुक गई थी। मम्मा इस बार तो सच में आप मुझे छोड़कर चली। मैं तो समझ रही थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप ठीक हो जाएंगी, मगर ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये सब पहले से ही मालूम था। मम्मा। गुड़िया रोती है, बहुत रोती है, मगर अभी तक उसे कोई चुप करवाने नहीं आया था। सब पक्षी तो अपने अपने काम पर गए हुए थे। कौन था जो वहां आता और गुड़िया को तसल्ली देता? दोपहर के बाद गुड़िया एक लंबा सांस लेती है। वो ऐसे मजबूत होकर बोलती है जैसे अचानक वो बड़ी हो गई हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसकी मम्मा जिंदा हो और वो उसके साथ हो। मम्मा मैं चुप हो गई, थोड़ा रोकर मैं चुप हो गई। मैंने आपसे वादा किया था, देख ले मम्मा मैं चुप हो गई हूँ। मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा एक बार देख ले, मैं चुप हो गई हूँ। मम्मा आपने कहा था कि मैं मौसी के पास चली जाऊँ। हाँ मम्मा मैं जा रही हूँ, मैं अपनी मौसी के पास जा रही हूँ। ऐसे गुड़िया खुद में हिम्मत और हौसला करके अपने घर से निकलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं, जो बच्चा बुलबुल के पास मिला था उसकी मम्मा को क्या हुआ था? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया सुबह से मारे मारे फिर रही थी, मगर अभी तक उसे कहीं से भी दाना नहीं मिला था। हल्की बर्फ की तह के नीचे मम्मा चिड़िया को कुछ दाने नजर आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया एक सूखे हुए पेड़ से एक लकड़ी लेती है और बर्फ को हटाती है। वो बहुत मेहनत का काम था क्योंकि बर्फ जमी हुई थी। और फिर मम्मा चिड़िया को उसकी मेहनत का फल मिलता है। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लिया। खुशी खुशी मम्मा चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर जाती है।
मम्मा आपके पंख थक गए होंगे, ऐसी ठंड में कैसे उड़ लेती हैं आप? अपने बच्चों के लिए मम्मा पापा को सब करना पड़ता है। मेरी बेटी आप ये दाना खाओ और मैं हरियाली तोती से कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। आज हम रात को आग जला लेंगे, ठंड बहुत बढ़ गई है। फिर मम्मा चिड़िया हरियाली तोती के घर चली जाती है। पीछे से गोरी कवि जो बहुत दुष्ट कवि थी वो चिड़िया के घर आती है और गुड़िया से उसकी मम्मा का लाया हुआ दाना छीन लेती है। हटो, अभी तक तुम्हारा पेट भरा नहीं है, किसी और को भी खा लेने दो। मगर ये दाना तो मेरी मम्मा ढूंढ कर लाई है, ऐसे भी कोई किसी से भोजन छीनता है क्या? मैं छीनती हूँ, मैं गौरी कवि। ऐसे कहते हुए गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया भी हरियाली तोती से लकड़ियाँ ले लेती है। चिड़िया बहन, क्या आपको दाना मिल गया है आज? हाँ हरियाली, मैं तो भूखी ही हूँ, मगर मेरी बेटी के लिए दाना मिल गया था। मम्मा चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा, उस कवि ने मेरा दाना भी छीन लिया और मुझे मारा भी है। कौन, वो गोरी कवि? हाँ मम्मा, वो मेरा दाना छीन कर ले गई है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गुस्से में मम्मा चिड़िया कवों के घर जाती है। खा ले मेरे जग्गू, पेट भर के खा ले, मैं ये दाना उस छोटी चिड़िया की बच्ची से छीन कर लाई हूँ। मम्मा मम्मा, क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती है? वो तो बहुत कमजोर चिड़िया है, वो तो मुझे देखती ही रास्ता बदल लेती है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैं रास्ता बदल लेती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, और तुम समझी कि मैं तुमसे डरती हूँ। खबरदार, अगर फिर कभी तुम मेरे घर आई तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ओए होए होए, वारे छोटी चिड़िया, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चल भाग यहाँ से, अगर मेरा कालू पतिजी आ गया तो मार मार कर तेरे पंख तोड़ देगा। बेशरम, मेरी मासूम बेटी से दाना छीनते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरा जग्गू भी भूखा था। भूखा था, जाओ और ढूंढ कर लाओ दाना। बड़ी आई काली कलोटी। चिड़िया चली जाती है, मगर गोरी कवि तो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। उसका पति कालू कवा भी घर आ जाता है। गोरी, क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो। वो पिद्दी सी चिड़िया, वो कमजोर चिड़िया यहाँ आई थी। पापा पापा, चिड़िया आंटी ने मम्मा को काली कलोटी कहा। क्या बात है गोरी, मुझे बताओ। मैंने उस पिद्दी चिड़िया से दो दाने क्या छीन लिए, वो तो मेरे घर तक आ गई। कालू, क्या फायदा मुझे तेरा, कोई भी मुझसे नहीं डरता। तुम चिंता ना करो गोरी, मैं उस चिड़िया को ऐसा मजा चिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। दूसरे दिन कालू कवा अपने दोस्त बुरे कवे के पास जाता है। बुरे यार, उस चिड़िया ने मेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा है, उसका कुछ करना होगा। तो फिर तोड़ देता हूँ उसका घर, ऐसी ठंड में मरेगी वो चिड़िया और उसकी बेटी। इस काम के मैं तुम्हें 10 दाने दूंगा बुरे। चिंता ना करो, समझो काम हो गया। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी, अगर थक गई तो रात को रोना नहीं है। मम्मा प्रॉमिस, मैं नहीं थकूंगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दाना लेने चली जाती हैं। बुरा कव्वा कालू का दोस्त छुपकर उन्हें देख रहा था। चिड़िया जैसे ही दाना लेने जाती है, बुरा कव्वा कुल्हाड़ा लेकर आता है और चिड़िया का घर तोड़ने लगता है। बुरा कव्वा चिड़िया का घर पूरी तरह तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहां से भाग जाता है। काम हो गया, लाओ मेरे 10 दाने दो। शाबाश, ये लो बुरे, गिन लो, 10 दाने पूरे हैं। मगर ये तो बताओ, चिड़िया का घर पूरा ही तोड़ा है ना? हो, चिड़िया अब कभी भी उस घर में नहीं रह सकेगी। कालू कवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। गोरी पत्नी जी, एक बार जाकर तो देखो, मैंने चिड़िया का घर तोड़ दिया है, अब चिड़िया और उसकी बेटी ठंडी रात में मरेंगी। कालू, सच कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? गोरी जल्दी से भागती, चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये कैसे हुआ, हमारा घर तो टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा है, ये सब कैसे हो सकता है? मेरा घर कैसे टूट गया?
चुप कर जाओ बेटी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें ठंडी रात गुजारने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये तुम्हारा घर कैसे टूट गया? क्या पता गोरी, मैं तो दाना लेने गई हुई थी, आई तो मेरा घर टूटा हुआ था। अब तो तुम ठंड से मरोगी और तुम्हारी बेटी भी मरेगी। चिड़िया बेआसरा अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। रात होने को थी, मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी उड़ती हुई घने जंगल में चली जाती हैं। आसमान पर बादल छा रहे थे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा केले के पत्तों से घर बनाया करती थी। मम्मा, क्या आप भी केले के पत्तों से घर बना सकती हैं? हाँ बेटी, हमें रात गुजारने के लिए कुछ तो करना होगा, वरना ऐसी ठंड में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ केले के पेड़ से पत्ते तोड़ती है और उन पत्तों से घर बनाना शुरू करती है। गुड़िया अपनी मम्मा की मदद करती है। गुड़िया केले के पत्ते अपनी मम्मा को पकड़ाती है। थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया कुछ पत्ते जोड़कर छत बना लेती है। अब उन्हें खुद को ठंड से बचाने के लिए छत मिल गई थी। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी केले के पत्तों के छोटे से घर में खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थीं। आसमान पर बादल तो थे ही, इसलिए रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। तेज बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज थी। तेज हवा से कौवों का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। कालू कालू, मुझे इस दरवाजे से बाहर निकालो, मेरी कमर टूट गई है, मुझे बाहर निकालो। मगर कालू चुप था, क्योंकि एक बड़ी लकड़ी कौवे के सर पर लगी थी और कौवा वहीं मर गया था। मम्मा मम्मा पापा मर गए, मम्मा पापा मर गए हैं। फिर जग्गू कोशिश करता है और अपनी मम्मा गोरी कौवे को दरवाजे से बाहर निकालता है। जग्गू, तेरा पापा मर गया और घर भी टूट गया, अब ऐसी बारिश और ठंडे मौसम में हम कहाँ जाएंगे? फिर जग्गू और गोरी कवि उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में चले जाते हैं। गोरी कवि के पंख से खून बह रहा था, अब उसमें उड़ने की ताकत न रही थी और वो गिर जाती है। जग्गू अपनी मम्मा को इस हालत में देखकर बहुत रोता है। मम्मा मम्मा प्लीज बोले बोले मम्मा। मगर उसकी मम्मा चुप थी। फिर जग्गू को बहुत ठंड लग रही थी और वो थोड़ी दूर एक घर के पास जाता है। वो घर चिड़िया का था, जो चिड़िया ने केले के पत्तों से बनाया था। कोई है, कोई है, कोई मेरी मदद करे। छोटे कौवे, तुम तो जग्गू हो। फिर जग्गू कौवा चिड़िया को सारी बात बताता है और चिड़िया जग्गू कौवे की मदद करती है और उसे अपने घर ले जाती है। आंटी, मेरे मम्मा पापा ने ही आपका घर तोड़वाया था और शायद उन्हें उसी की सजा मिली है। बेटा, जो दूसरों का बुरा सोचता है, हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।